लेफ्ट रेलवे एडजस्टमेंट स्विच स्विच एक्सपेंशन जॉइंट का एक हिस्सा है। इस वीडियो में हम एडजस्टमेंट स्विच की कार्यप्रणाली सीखेंगे। एडजस्टमेंट स्विच एक ऐसा उपकरण है जो थर्मल एक्सपेंशन और संकुचन के कारण रेल के लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट की अनुमति देता है। स्विच एक्सपेंशन जॉइंट के कारण होने वाले डिफेक्ट को दूर करने और रेलवे ट्रैक पर मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करने के लिए डिजाइन को मॉडिफाइड किया गया है। एडजस्टमेंट स्विच कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल या CWR और जॉइंट ट्रैक के बीच रखे जाते हैं ताकि संयुक्त साइट पर प्रदान किए गए संयुक्त अंतराल थर्मल विस्तार में समायोजित हो सके। इसका उपयोग मेटालिक ब्रिजेस पर भी किया जाता है जिसकी लंबाई 30 मीटर है। एडजस्टमेंट स्विच कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल या CWR और जॉइंट ट्रैक के बीच रखे जाते हैं रेल को क्लैंप प्लेट कास्ट आयरन चेयर के ऊपर रखी जाती है या बोल्ट की मदद से बेस प्लेट्स द्वारा समर्थित किया जाता है। स्विच रेल में स्टॉक रेल के बीच समानांतर रेखाएं होनी चाहिए। यह यातायात प्रवाह की सामान्य दिशा में रेल की टांगों के बीच चौकोर रूप से संरेखित होता है। रेल युक्तियों का न्यूनतम 60 मिलीमीटर का अंतर है जो आधार प्लेटों द्वारा समर्थित है और क्लैंप प्लेटों के भीतर स्थित है। 4 रेल खंड को आधार प्लेटों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और क्लैंप प्लेटों के भीतर 30 मिलीमीटर के न्यूनतम अंतराल से बांधना चाहिए। यह तापमान भिन्नताओं के कारण आसपास की श्वास लंबाई के विस्तार संकुचन की अनुमति देता है।